हेलो डियर स्टूडेंट्स, आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। माय नेम इज समता और क्लास सिक्स में हम लोगों का चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, दैट इज फाइबर टू फैब्रिक, तंतु से वस्त्र तक। तो बिना देरी किए हुए स्मार्ट बोर्ड की तरफ चलेंगे और चैप्टर अपना आगे हम कंटिन्यू करेंगे। बच्चों, जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोगों का कौन सा चल रहा है, चैप्टर नंबर 3 चल रहा है हम लोगों का चैप्टर नंबर थ्री चल रहा है तंतु से वस्त्र तक, फाइबर टू फैब्रिक। तो मैंने आपको बताया था कि फाइबर दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है आपका नेचुरल फाइबर और दूसरा होता है आपका आर्टिफिशियल यानी कि सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर जिसको केमिकल की सिंथेसिस के द्वारा बनाया जाता है उसको कहते हैं सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर्स में मैंने आपको बताया था कि 4 तरीके के तंतु अवेलेबल हैं, जो है आपका एक तो रुई जिसको आप कॉटन कहते हैं, दूसरा आपका प्राकृतिक तंतु से वूल, वूल बनता है, ऊनी कपड़े जो होते हैं वो भी कुछ प्राकृतिक तंतुओं से बनते हैं। आजकल सिंथेटिक तंतुओं से भी वूलन क्लोथ्स बनने लगे हैं, लेकिन जो ओरिजिनल वूलन क्लोथ्स होते हैं वो वूल से बनते हैं और वूल क्या है, एक प्राकृतिक तंतु है। सिल्क के जो कपड़े हैं वो भी आपके प्राकृतिक तंतुओं से बनते हैं। और बच्चों, आपका जूट का जो भी मटेरियल है, कोई सजावटी सामान है, कोई बैग है, कपड़े हैं, ये सब भी आपके किससे बनते हैं, प्राकृतिक तंतु से। तो जो कॉटन प्लांट होता है उसका जो फल होता है, फल जब बर्स्ट कर जाता है तो रुई बाहर दिखाई पड़ती है, उस तंतुओं को बीज से अलग कर लेते हैं और उसके बाद फिर उस रुई को धागों के रूप में कताई करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, रुई की कताई करते हैं, ठीक है। और उसी तरह से जब जूट, जूट का जो पौधा होता है उसके तने से हम फाइबर निकालते हैं, तने से जो हम फाइबर पाते हैं उस तने से फाइबर निकालने की जो प्रक्रिया है वो रेटिंग कहलाती है। दीज फाइबर्स कैन देन बी सेपरेटेड फ्रॉम द नॉन फाइबरस मैटर बाय हैंड, उसके बाद हाथों से फिर नॉन फाइबरस मैटर और फाइबरस मैटर को अलग अलग कर दिया जाता है, ठीक है। ये आपके जूट के पौधे हैं, लंबे लंबे होते हैं, बिल्कुल इसका सीधा डंडा होता है, मतलब इसका जो तना होता है एकदम सीधा होता है और काफी ऊंचाई तक जाता है। और जब ये फ्लावरिंग स्टेज में होता है तब क्या करते हैं, उसको काट करके और फिर पानी में भिगा दिया जाता है। पानी में भिगाने के बाद क्या होता है, उसके तागे बना लिए जाते हैं, यार्न्स के रूप में उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है। यार्न्स में कन्वर्ट करने के यानी तागा बनाने के, किसी भी तंतु से तागा बनाने की दो तरीके होते हैं। पहला तरीका आपका है बच्चों वीविंग, बुनाई, और दूसरा तरीका है आपका निटिंग यानी कि बंधाई। वीविंग का मतलब एक दो एक जैसे धागों को क्या करते हैं, पैरेलल तरीके से लेकर के उसको साथ में बुन देते हैं, उसको वीविंग कहते हैं। और निटिंग का मतलब एक ही धागे को किसी सलाई की सहायता से या किसी और चीज की, जैसे स्वेटर बनने को, बुनने को हम क्या कहते हैं, वीविंग नहीं, निटिंग कहते हैं हम लोग स्वेटर बुनने को। The process by which two sets of yarns are arranged together to obtain a fabric is known as weaving. Weaving is done by using looms. जो बुनाई की प्रक्रिया होती है वो करघा का यूज करके, करघा नाम की एक मशीन होती है उसका यूज करके बुनाई की प्रक्रिया होती है। These looms can either be powered by electricity. अगर वो करघा बिजली से चलने वाला होगा, विद्युत चालित करघा होगा तो वो पावर लूम्स कहलाएगा, और अगर वो हाथ से चलाने वाला होगा वो मशीन हथ करघा कहलाएगा, हैंड लूम कहलाएगा। अ हैंड लूम एंड अ पावर लूम आर शोन इन द गिवन फिगर्स, ये आपको नीचे डायग्राम में दिखाई दे रहा है। ये है एक हैंड लूम का डायग्राम फिगर और ये है आपका एक पावर लूम का। हैंडलूम ऐसा हथकरघा होता है जिसको बच्चों केवल हाथ की सहायता से चलाया जाता है, और पावर लूम ऐसा होता है जिसमें पावर देने से, इलेक्ट्रिसिटी देने से ये मशीन चलने लग जाती है, तो ये विद्युत चालित मशीन कहलाती है, विद्युत करघा कहलाता है और वो आपका हथकरघा कहलाता है, ठीक। इतना आप सभी बच्चों ने जान लिया। अब हम जानेंगे निटिंग के बारे में। निटिंग क्या है, जब किसी एक धागे से बुनाई की जाती है और उसी धागे से एक बड़ा कपड़ा तैयार कर दिया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम निटिंग कहते हैं। निटिंग यानी कि बुनाई। ये जो बुनाई होती है बच्चों, ये
दो तरीके से हो सकती है, एक तो ये हाथों से भी बुनाई हो सकती है और दूसरी जो है बुनाई किससे हो सकती है आपकी, मशीन से भी हो सकती है। तो जो स्वेटर है देखिए, हाथ से बने हुए स्वेटर भी सारे बच्चों ने देखे होंगे और मशीन के बने हुए भी स्वेटर जो मार्केट में अवेलेबल हैं, मार्केट में भी हाथ के भी बने हुए स्वेटर बिकते हैं, लेकिन मशीन से बने हुए स्वेटर जिसको आप कह सकते हैं रेडीमेड, रेडीमेड स्वेटर जो हैं वो भी मशीन से बने हुए आते हैं, तो उसकी क्या होती है, बहुत पतली, बहुत पतले धागों से उसमें इजीली बुनाई हो पाती है। बस हाथ से बनाए गए निटेड जो स्वेटर्स होते हैं, हैंड निटेड स्वेटर्स जो होते हैं, उनमें धागा जो होता है ना वो थोड़ा मोटा होता है, बहुत पतले धागे से अगर बुनाई आप करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा और बुनाई कंप्लीट नहीं हो पाएगी, तो इसलिए बहुत पतले धागे से नहीं की जाती है और थोड़ा सा वो धागा मोटा होता है जिसको आप क्या कहते हैं, ऊन कहते हैं, ठीक है। तो और जो मशीन से बुनाई होती है तो मशीन में बहुत पतले बारीक धागों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गई बात आपकी निटिंग की यानी कि बुनाई की। हेंस द प्रोसेस इन विच फैब्रिक कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम ओनली वन यार्न इज कॉल्ड निटिंग, वो क्या कहलाता है आपकी, निटिंग की प्रक्रिया कहलाती है, यानी कि बुनाई की प्रक्रिया कहलाती है, ठीक है। अब एडवांसमेंट्स इन द क्लोदिंग इंडस्ट्री, आप सबने नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पे, डिस्कवरी चैनल पे बहुत बार मनुष्यों का विकास किस तरह से हुआ ये देखा होगा आपने, ठीक है। आदि मानव के बारे में पढ़ा होगा, मानवों के जो पूर्वज थे, मनुष्यों के जो पूर्वज थे वो कैसे थे, प्रिमिटिव ह्यूमन जिसे हम कहते हैं आदि मानव, प्रिमिटिव मैन, वो कैसे थे, उनको इतने सभ्य नहीं थे, उन तब सिविलाइज्ड नहीं थे, उनके सभ्यता का विकास नहीं हुआ था, तो उनको चीजें आती नहीं थी, आती नहीं थी तो क्या करते थे, अपना शरीर ढकने के लिए पत्तियों का यूज कर लेते थे, पेड़ की छालों का यूज करते थे, जानवरों की खाल का यूज करते थे अपने कपड़े पहनने के लिए, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे वो सिविलाइज्ड होते गए, सभ्यता आती गई समाज में, तब क्या हुआ, उन्होंने बुनाई करना स्टार्ट किया, क्या किया, वीव करना स्टार्ट किया, उन्होंने क्या करा, मेकिंग मैट्स, मैट्स बनाना स्टार्ट किया, यानी कि चटाइयां बनानी स्टार्ट की, और कुछ बास्केट्स बुने, किसकी हेल्प से, सूखे घासों की और डंडियों की हेल्प से, ड्राई ग्रास और ट्विग्स की हेल्प से। फिर उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे तागा बनाना सीखा, दे लर्न टू मेक यार्न्स, धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, तागा बनाना सीखा, किससे, एनिमल फ्लीस से और वाइन्स से, बेलों से और कॉटन से, रुई से उन्होंने तागा बनाना सीखा, धीरे 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 करके, बहुत लंबा समय लगा इन चीजों में बच्चों, लेकिन धीरे धीरे करके ये मानव ने कृषि समुदाय में फिर बसना आरंभ करने के बाद पतली पतली टहनियों को और घास को बुन करके चटाइयां बनाई, डलियां बनाई, टोकरी बनाना सीखा, लोगों ने जो बेल थी, लताएं थी, जंतुओं का जो ऊन था और बालों को, उनको आसपास आपस में ऐंठन दे दे करके लंबी लंबी लड़ियां बनाई जिनको तागा कह सकते हैं, इनको बुन करके उन्होंने वस्त्र तैयार किए, ठीक। पुराने भारत में रुई से बने ही वस्त्र पहने जाते थे जो गंगा नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में उगाई जाती थी, क्या रुई, कॉटन क्लोथ्स ही चलन में थे, किसी और प्रकार का कोई पौधा चलन में नहीं था, तब कोई कपड़ा भी नहीं आता था सिंथेटिक, या साड़ियां तब नहीं थी चलन में, और तो छोड़िए साड़ियां जो आजकल साड़ियां पहनते हैं लोग, साड़ियां भी चलन में नहीं थी, केवल सूती धोती ही यूज होती थी पहनने के लिए। और इसी तरह से जैसे भारत देश में सूती धोती, सूती कपड़ा बनाने के लिए कॉटन का यूज किया जाता है, इसी तरह से मिस्र में, इजिप्ट में जो वस्त्र हैं उनको बनाने के लिए रुई की जगह पे फ्लेक्स का यूज करते हैं। तो फ्लेक्स भी क्या है, एक पौधा है और उससे भी नेचुरल फाइबर मिलता है, उससे प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है, और मिस्र में उसको फिर कपड़े बनाने के लिए यूज किया जाता है। अच्छा, भारत में जो कॉटन की खेती है, कॉटन की कृषि है, कपास की कृषि है, वो आपकी गंगा नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में होती है, लेकिन मिस्र में,
कौन सी नदी है? मिस्र में है नील नदी। तो नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में वहां पे फ्लेक्स की खेती होती है। ठीक है, तो इस तरह से हम देख रहे हैं। इन एंशियंट इंडिया द पीपल यूज्ड टू वेयर फैब्रिक्स मेड अप ऑफ कॉटन दैट वाज कल्टीवेटेड अलोंग द बैंक्स ऑफ द रिवर गंगा। टुडे इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉटन। आज के समय में हमारा जो भारत देश है वो सूती वस्त्रों का बहुत बड़ा उत्पादक देश है। ठीक है, पुराने समय में इजिप्ट में कॉटन और फ्लेक्स दोनों में क्या होता है, दोनों ही प्लांट होते हैं और दोनों में जैसे कॉटन होता है उसी तरीके का फ्लेक्स भी आपका नेचुरल फाइबर देता है। वर कल्टीवेटेड अलोंग द बैंक्स ऑफ द रिवर नील, NILE, नीले नहीं है ये, नील नदी का नाम है। स्टिचिंग वॉज नॉट नोन, तब उस टाइम में क्या है, प्राचीन काल में लोगों को सिलाई करना नहीं आता था। क्या करना नहीं आता था? सिलाई करना, स्टिचिंग करना, मतलब कपड़े तो उन्होंने धीरे धीरे बनाने सीख लिए लेकिन उनको क्या करना, कपड़ों को ड्रेस में तब्दील करना नहीं आता था। कपड़ा तो उन्होंने बहुत पहले के टाइम में कपड़ा बनाना तो सीख लिया था लेकिन कपड़े को ड्रेस में किस तरह से कन्वर्ट किया जाए वो उनको नहीं आता था। इसीलिए पुराने समय में सीधी सीधी धोती लुंगी इन्हीं सब का चलन था, सिले हुए लोग कपड़े नहीं पहनते थे क्योंकि उनको सिलना आता ही नहीं था। तो प्राचीन काल में लोगों को सिलाई करना नहीं आता था, तो उस समय लोग क्या करते थे, अपने शरीर को कवर करने के लिए एज इट इज कपड़े की बुनाई करते थे और बड़े बड़े कपड़ों से ही अपने शरीर को वो ढक लिया करते थे। अपने शरीर को ढकने के लिए वो अलग अलग तरीके के कपड़ों का यूज करते थे लेकिन उसको अलग तरीके से बांध लेते थे केवल, क्योंकि उनको सिलाई करना तो आता नहीं था। फिर धीरे धीरे जब सिविलाइज हुआ मनुष्य, सभ्यता आई और धीरे धीरे उन लोगों ने, क्योंकि मनुष्य के पास क्या है बच्चों, सबसे बड़ा पावरफुल हथियार है इंसान के पास, वो है उसका दिमाग। तो दिमाग चला के साइंस की हेल्प से धीरे धीरे क्या होते गए, बहुत नए नए आविष्कार होते गए, इनोवेशंस हुए बहुत सारे। तब क्या हुआ, पहले सुई का आविष्कार हुआ। पहले किसका आविष्कार हुआ? सुई का आविष्कार हुआ। सुई के अंदर धागा डाल करके और उससे फिर धीरे धीरे सिलाई की जाने लगी। तो सुई के आविष्कार के बाद वस्त्रों की फिर सिलाई करके पहनने का चलन आया धीरे धीरे। और इस खोज के बाद सिले हुए कपड़ों में बहुत सारी विभिन्नताएं आ गई हैं। देखिए आज के टाइम में और पुराने समय के बारे में अगर आप सोच के देखेंगे तो आज तो इतने डिजाइनर कपड़े अवेलेबल हैं कि उसके बारे में साधारण आदमी, उसके लिए स्पेसिफिक बुटीक होते हैं, डिजाइनर्स होते हैं और कपड़े जो डिजाइन कर दिया करते हैं, तो वो एक अलग ही प्रोफेशन हो गया है, बहुत एडवांस लेवल पे जा चुका है ये सब चीजें। लेकिन अगर आप सोचें तो पहले के टाइम में तो केवल सिलना ही जब नहीं आता था तो ड्रेस तो कोई बन के तैयार हो ही नहीं सकती थी। और पुराने जमाने के कपड़ों में और आज के जमाने के कपड़ों में भी बहुत बच्चों वेरिएशन आ गई है, बहुत विभिन्नता आ गई है। मतलब पहले जमाने में जो कपड़े पहने जाते थे और आज के जमाने में जो कपड़े पहने जाते हैं उनमें बहुत ज्यादा फर्क है। विथ साइंटिफिक प्रोग्रेस यानी विज्ञान के विकास के साथ साथ क्या हुआ, इन्वेंशन हुआ किसका? पहले सुई का इन्वेंशन हुआ था, उसके बाद किसका इन्वेंशन हुआ? सुइंग मशीन का यानी सिलाई मशीन का इन्वेंशन हुआ। स्टिच्ड क्लोथ्स गेन्ड पॉपुलरिटी। तब फिर सिले हुए कपड़े चलन में आए। आप सभी बच्चों ने सिलाई मशीन तो देखी होगी, अपने घरों में देखी होगी या फिर टेलर मास्टर के पास तो सिलाई मशीन होती ही है। सिलाई मशीन दो तरीके की होती है, एक तो ऐसी सिलाई मशीन होती है जो आपने अमूमन घरों में देखी होगी, उसको हाथ से चलाते हैं, हाथ से एक हैंडल होता है, जैसे यहाँ पे इसमें ये हैंडल बना हुआ है, तो ये हाथ वाली सिलाई मशीन है, ये ज्यादातर घरों में रहती है बच्चों। और जो टेलर मास्टर के पास सिलाई मशीन होती है उसमें क्या होता है कि इसका वायर जो है वो नीचे अटैच रहता है और नीचे फुट पैड लगा होता है, मतलब पैरों से वो मशीन चलाई जाती है, उस मशीन को पैरों से चलाते हैं। तो वो पैरों वाली मशीन जो होती है वो ज्यादातर टेलर मास्टर लोगों के पास होती है और घर में जो मशीन होती है ज्यादातर वो हाथ की, हाथ वाली होती है जिसको हाथ से घुमा घुमा के चलाया जाता है। तो जो आपका सिलाई मशीन का आविष्कार था, द इन्वेंशन ऑफ द स्विंग नीडल वॉज अ माइल स्टोन फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्री। जो
सुई का आविष्कार और सिलाई मशीन का आविष्कार, इन दोनों का आविष्कार टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यानी कि वस्त्र उद्योग में बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ है। किसका आविष्कार? सुई का और सिलाई मशीन का। क्योंकि जिस दिन सुई का आविष्कार हुआ उस दिन से कपड़े सिले जाने लगे, तो कपड़ों को अलग अलग रूप दिया जाने लगा और अलग अलग तरीके से वो, देखिए कितनी सारी ड्रेसेस दिखाई पड़ रही है, फ्रॉक है, ये कोट है, ये भी फ्रॉक है, ये फिर कुछ पगड़ी है, ये दूसरे तरीके की फ्रॉक है। देखिए एक ही उसमें कितने तरीके की, ये कोई लॉन्ग ड्रेस है, ये पतलून और शर्ट है, ये छोटे बेबी का कोई ड्रेस है, ये गाउन जैसा कुछ है, ये भी फ्रॉक है। तो अलग अलग डिजाइन के इंसान ने क्या किया, इनोवेशन किया और अलग अलग डिजाइन के वस्त्र सिले जाने लगे। उसके बाद देखिए जो भारत में अब आजकल जो पैंट शर्ट का चलन है, पैंट शर्ट बहुत जल्दी चलन में आया। कब? अंग्रेजों के भारत आने के बाद से पैंट शर्ट चलन में आई है। भारत में पैंट शर्ट का किसी कोई चलन नहीं था बच्चों, पैंट शर्ट नहीं पहनी जाती थी पुराने जमाने में, मतलब आजादी के टाइम पे पैंट शर्ट केवल जो अंग्रेज आए अंग्रेज ही पैंट शर्ट पहनते थे, और जो भारत के रहने वाले लोग थे वो पैंट शर्ट नहीं पहनते थे, क्योंकि पैंट शर्ट उनको पता ही नहीं था कि क्या चीज होती है। क्या पहनते थे वो? धोती पहनते थे, कुर्ता पहनते थे, और वो भी सूती कपड़े से बना हुआ ज्यादातर, या खादी के कपड़े का बना हुआ पहनते थे। लेकिन फिर अंग्रेज आए, तो जब भी कोई नई सभ्यता आती है किसी दूसरी जगह पे, तो वो सभ्यता अपने साथ बहुत कुछ चेंजेस भी लेकर के आती है। जैसे भारत का कोई बच्चा विदेश पढ़ने गया, ठीक है, उस टाइम पे भी जो बहुत धनाढ्य लोग थे वो अपने बच्चों को विदेश पढ़ने को भेज दिया करते थे। आजकल साधारण आदमी भी कोशिश करके किसी तरीके से कंपटीशन फाइट करके भी जा पाता है, लेकिन उस समय पे केवल धनाढ्य लोग ही अपने बच्चों को विदेश भेज पाते थे बच्चों। तो वहां से वो क्या होते थे, वो होते इंडियंस थे लेकिन वो विदेश का फैशन लेकर के अपने देश में आते थे। तो जो हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, वो भी विदेश गए थे पढ़ने के लिए, तो वो भी वहां से मतलब नया फैशन लेके आए, है ना। तो जो भी दूसरे देश कोई जाता है या दूसरे देश से जैसे अंग्रेज वहां से भारत आ गए, तो वो क्या किया, उन्होंने कुछ नया चलन लाए, कुछ चेंजेस हुए सभ्यता में। तो फिर उसके बाद फिर यहाँ अंग्रेजों ने जब जिन लोगों को नौकरियां दी उनकी ड्रेस कोड बना दी और उनको पैंट पहनना अनिवार्य कर दिया, तो धीरे 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 क्या हो गया, पैंट शर्ट चलन में आ गए, ठीक है। अब पैंट शर्ट क्या थे, इजी टू वेयर थे, इजी टू कैरी थे, तो आदमी ने कंफर्टेबल होने के हिसाब से, कंफर्ट के हिसाब से फिर धीरे 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 पैंट शर्ट ही चलन में आ गए, और सारे जो भी जेंट्स थे, जो भी पुरुष थे, वो सारे क्या पहनने लगे, पैंट शर्ट पहनने लगे, और अब कंफर्ट के हिसाब से ही उसको लड़कियां भी पहनती हैं। क्यों? क्योंकि उसको कैरी करना इजी होता है। तो धीरे धीरे विकास होता है और धीरे धीरे ही क्या होता है, परिवर्तन होता है, लेकिन परिवर्तन होता जरूर है बच्चों एक टाइम के बाद, ठीक है। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट नेचुरल फाइबर्स हैव बीन यूज्ड फॉर एप्रल्स एंड फैशनिंग होम्स फॉर थाउजेंड ऑफ इयर्स। ये लेकिन उसके बावजूद भी, इतने परिवर्तन होने के बावजूद भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जो नेचुरल फाइबर्स हैं वो एप्रेल्स को बनाने में, ड्रेसेस को बनाने में और फैशन होम्स में बहुत हजारों सालों से यूज हो रहे हैं, और उनका चलन अभी भी फैशन में है। नेचुरल फाइबर्स को कोई आउट नहीं कर पाया, सिंथेटिक फाइबर्स बहुत सारे आए, लेकिन सिंथेटिक फाइबर चाहे जितने आए वो नेचुरल फाइबर्स को अभी भी बीट नहीं कर पाए हैं। यानी कि जो नेचुरल फाइबर होते हैं, हर किसी को पता है कि नेचुरल फाइबर से बना हुआ कपड़ा ज्यादा अच्छा होता है सिंथेटिक फाइबर से बने हुए कपड़े के मुकाबले। तो अभी तक कितने भी सिंथेटिक फाइबर्स आए हैं वो किसी भी नेचुरल फाइबर को बीट नहीं कर पाए हैं। जैसे मान लीजिए ऊनी स्वेटर है, तो जो नेचुरल ऊन से बना हुआ स्वेटर है उसकी क्वालिटी एकदम अलग होगी, और जो सिंथेटिक बना हुआ है उसकी क्वालिटी अलग होगी। सिंथेटिक कपड़े बिल्कुल अलग होंगे और नेचुरल फाइबर से बने हुए कपड़े भी बिल्कुल अलग होंगे। तो कहने का मतलब यह है कि प्राकृतिक तंतुओं को कोई बीट नहीं कर पाया है, और प्राकृतिक तंतुओं को बढ़ावा दिया जा रहा है धीरे धीरे। जैसे स्पेशली रेशम विभाग बनाया गया, उससे रेशम के कपड़ों को बढ़ावा मिल रहा है। द यूज ऑफ वूल डेट्स बैक टू ओवर 4000 years। जो आपका ऊन का
यूज है, उनका इस्तेमाल है बच्चों, वो 4,000 साल पुराना है। इन कंपैरिजन मैन मेड फाइबर्स और सिंथेटिक फाइबर्स आर रिलेटिवली न्यू, बीइंग ओनली अबाउट अ सेंचुरी ओल्ड, यानी कि लगभग जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं वो लगभग केवल 100 साल पुराने हैं, और जो नेचुरल फाइबर्स हैं वो बहुत सदियों से चलन में हैं, और अभी भी उनको कोई बीट नहीं कर पाया, कॉम्पिटिशन में वो अभी भी आगे हैं, यानी प्रकृति इस कॉम्पिटिशन में जीत गई है। बच्चों आज की क्लास में आप सभी ने तंतु से वस्त्र तक की यात्रा को हमने समाप्त किया। आप सबने जाना कि तंतुओं से वस्त्र कैसे बनाए गए, किस प्रकार से चलन में आए, कौन कौन से आविष्कारों ने उसमें हेल्प किया। तो आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में हम इस चैप्टर का एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।